डेजर्ट फॉल्स और यहाँ देखते हुए लातेहार संजेस अकेडमी विद्यालय के मैनेजर फॉर क्रिस्टोफर रूबन और लोहरदगा सिस्टर से लोहरदगा हॉस्पिटल से आए हुए सिस्टर्स गण और सभी माता पिता, मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के सुंदर दिन में जो यहाँ पर रहकर जुलाई से 2023 का और अभी तक यहाँ पर अपने नर्सिंग का शिक्षण अध्ययन में कार्यरत थे, आज वे समाप्त करते हैं। अर्थात उनको हम जिस तरह यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को कार्य क्षेत्र में भेजा, हम भेजने वाले हैं। अर्थात उनके लिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आशीष और कृपा उन पर बनी रहे कि वे जहाँ कहीं जाएं ईश्वर के कार्य को पूरा कर सके। और इसलिए मैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ निश्चय बलिदान अर्पित करने के लिए मैं हमारे विश्व स्वामी को आग्रह करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आइए एक बार सबके लिए ताली बजाएं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। जब कुछ शुरू होता है बहुत अच्छी चीज है, कुछ खत्म होता है और सफल पूर्वक खत्म होता है उससे अच्छा चीज है। मतलब कि 2 साल आप लोगों ने हम बताए, अपना ट्रेनिंग पा लिया, अभी लोगों की सेवा में पूरी तरह लगने के लिए तैयार। और इसलिए हम पहले बात ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आप लोगों को चुने, यहां लाए और आप लोगों की तैयारी यहाँ हमारे स्किल ट्रेनिंग में। धन्यवाद देते समय हम और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको जिन्होंने आप लोगों की मदद कर हम हमारे गरीब सिस्टर लोग जो यहाँ है, लोहरदगा के सिस्टर लोग जो आप लोगों के ट्रेनिंग में भाग लिया है और विशेष करके हमारा डोनर फर्नांडिस और उसके परिवार की उसके ट्रस्ट की भी जिन्हें कानून में मदद कर दी या बधाई करने के लिए उनको भी करता। हम इसकी बात है जो बच्चियाँ पीछे छोड़ के जा रहे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि सबकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाए। Yeah.
अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, उनकी दुहाई प्रभु के कानों पर पहुंच गई है। हे धनियों, मेरी बात सुनिए, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आपकी तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी, वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वाले लोगों की दुहाई विश्व मंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने प्रीति पर और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को मजबूत बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया, यह प्रभु की वाणी है। बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पद संख्याएं 41 से 50 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले ननों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चटका का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम दूल्हे होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रास्ते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रास्ते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे?
अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का सुसमाचार। भाई और बहनों, सिस्टर जन, और विशेष करके बच्चे बच्चों जो यहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं जिंदगी में सेवा है, और आज की जो दो पाठ है आज जा रहे हैं ना, इनकी विदाई हो रही है, ये सब जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो दो साल ना, आप लोगों ने यहाँ बताया, तैयारी कर दी, और ये तैयारी के बाद अभी सेवा में, और दोनों पार्ट जो है आज के वो भी सुंदर पार्ट। पहले पार्ट में बताया जाता है न्याय संगत जिंदगी जिएंगे तो प्रभु की पार्ट, न्याय संगत जिंदगी नहीं जी दूसरों को मान करेंगे, मान करेंगे दूसरों को तो आप बुरा करेंगे, तो आपकी सोना चांदी भी सब कुछ को ये कीड़ा लेगा। पर पुस्तक बोलता है, मैं नहीं बोलता, तो बाइबल में ऐसा बोला गया है जो न्याय नहीं करेगा दूसरों को धूप देगा, भलाई नहीं करेगा दूसरों के पीछे पड़ेगा उसको सजा, और जो दूसरों की अच्छा अच्छा करेगा तो वो प्रभु आपके साथ रहेगा। पहली बात, सुसमाचार में प्रभु यीशु बहुत ही अच्छी चीज है। देखो बेटी बेटियां तो जा रहे हैं, प्रभु ने आप लोगों को वरदानों से भरा है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, हाथ पैर दिए, शक्ति भी है, मानसिक शक्ति भी है, शारीरिक शक्ति। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, ये जो शक्तियां आप लोगों को दिए हैं, ये जो वरदान आप लोगों को दिए हैं, ये किस चीज के लिए आप लोग उपयोग करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है। और इतना भी बोलता है, यदि आपका हाथ आपको पाप करने के लिए, दूसरों को बुरा करने के लिए आगे बढ़ता है, हाथो हाथ, एक हाथ से स्वर्ग पहुंचना लेकिन बुरा करके कभी नहीं पहुंचेंगे, तो कहां पहुंचे। यदि पैर आप लोगों को गलत रास्ते पे लेता है, काटो बोलता है, तो जुमला है बोलने का, काटो, एक पैर से तो स्वर्ग पहुंच सकते, लेकिन बाप में लेते हैं तो नरक हो जाए। यदि आपका आंख आपको इस चीज के लिए लेता है कि दूसरों को बर्बाद करना, बर्दाश्त करना, तो आंख भी निकालो बोलता है। इतना बहुत कड़क तरह से प्रभु हमसे बात करता है, क्या बोलने के लिए, कि हम लोग वैसा नमक बन जाए जो नमक खाना में स्वाद है, दूसरों की जिंदगी में स्वाद लाता है, फीका हो गया तो बाहर फेंक दिया, वो पेड़ को भी नहीं लगा सकते। नमक का मूल्य तभी मिलता है जब नमक नमक होता है, नमक दो लिया तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसलिए प्रभु हमें इतना ही सिखाता है, हम जो कुछ करते हैं प्रभु के प्यार से करते हैं, तभी हमारी नमक जिंदगी का नमक दूसरों को स्वाद लाए। मेरे प्यारे बच्चे बच्चों, आप लोग कभी जाएंगे तो गोवा जाएगा, कोई अल्लाह जाएगा, वहां
क्रिया करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना मतलब प्रभु यीशु के आशीष के साथ अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं आप लोग भी ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं उसी में दूसरों को खुशी लाएंगे। पहली बात अपने परिवार की बात सोचिए, यदि जिंदगी में कुछ 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 बनेंगे तो परिवार को भी आनंद। यदि आप यही भेजने जाएंगे कुछ नहीं करेंगे आप सोचिए परिवार को कितना दूर। जहाँ सेवा करते हैं पूरे प्यार से सेवा कर दिया तो आप लोग सोच लीजिए कितने लोगों को खुश करते हैं। यदि गुस्सा करते हुए अपना गुस्सा दूसरों से निकाला या आप नर्सिंग का काम करके जा रहे हैं एक प्यार बना काम प्यार से करेंगे तो जो पेशेंट है जल्दी चलना भी होगा। गुस्सा करेंगे तो वो और बीमार हो जाए अब और तकलीफ दे। तो प्रभु हमें यही सिखाया जो कुछ हमें दिया है प्रभु के सेवा। आप लोग जो जा रहे हैं प्रभु आपको आशीष देते जाए और यहाँ जो अपनी पढ़ाई करेंगे इस साल आप लोगों को भी या उनके साथ मदद देते रहे आगे। Thank you.
स्वर्ग के भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालयित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए अपनी सीख लाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। ईश्वर पिता और पुत्र और आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग निकाले निशा संपन्न।